नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं एक बेहद ही खास टॉपिक के बारे में जो कि आप सभी के लिए फायदेमंद हो। हमारा ये हर वक्त प्रयास रहता है आप सभी के लिए अच्छी जानकारियाँ लेकर के आएँ। आज की जो जानकारी है वो हार्ट ब्लॉकेज को रोकने के लिए किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, इससे रिलेटेड है। जी हाँ, हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप डाइट में शामिल कर लेते हैं तो हार्ट ब्लॉकेज को काफ़ी हद तक रोक सकते, क्लीन करने के साथ ही ब्लड फ्लो को भी ठीक करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज में नहीं जमने देते हैं, इसीलिए आपके हार्ट अटैक होने के चांसेज कम हो जाते हैं। जी हाँ, इसीलिए आइए आज हम सभी जानते हैं कि इन चीज़ों को अगर रेगुलर डाइट में शामिल किया जाए तो ये ब्लॉकेज को कैसे रोक सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि दो दिन इनको खाने से दिल की बीमारियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगर आप निरंतर इसका इस्तेमाल करते रहते हैं लगातार तो आप स्वस्थ रहेंगे, इस बात की गारंटी है। सबसे पहले तरबूज। जी हाँ, गर्मियों में सबका फेवरेट और अमीनो एसिड का नेचुरल सोर्स माना जाने वाला तरबूज बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड आर्टरीज को रिलैक्स करने, इन्फ्लामेशन को दूर करने और ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए जाना जाता है। यह बॉडी के फैट कंजप्शन को रोकती है। एब्डोमेन एरिया में कम फैट होने से हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो जाता है। जी हाँ, अगर आपके पेट के क्षेत्र पर मोटापा कम है तो आपको हार्ट डिजीज होने का खतरा भी कम ही होगा। हल्दी। जी हाँ, हल्दी आर्टरीज वॉल के डैमेज को हील करती है जो कि ब्लड क्लॉट और कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण बनता है। ये एंटी इन्फ्लामेंट्री होती है जो कि आर्टरीज को रिलैक्स भी करती है। इसमें पाया जाने वाला विटामिन B6 हार्ट को हेल्दी रखता है। इसके सेवन का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हल्दी वाला दूध पिएं। जी हाँ, हल्दी वाला दूध के रूप में अगर आप इसे सेवन करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा कार्य करता है। इसके अलावा लहसुन। लहसुन में गंदगी को शरीर से बाहर निकालने वाले गुण होते हैं। इसके नियमित सेवन से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। रोजाना लहसुन की एक या दो कलियां पानी के साथ निगल लें। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हार्ट ब्लॉकेज को खोल देते हैं, यानी कि हार्ट को ब्लॉक ही नहीं होने देते हैं। इलायची। इलायची हर घर में पाई जाती है। इसका इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि यह दिल के रोगों में भी काफ़ी लाभकारी है। आयुर्वेद में इसे दिल के इलाज में बहुत काम आने वाली औषधि बताया गया है, इसीलिए इसका आयुर्वेद में इस्तेमाल होता रहा है। विशेष अगर आप जानना चाहते हैं बहुत ज़्यादा हल्दी या फिर जो भी मैं औषधि बता रहा हूँ इनमें से किसी के भी बारे में, तो आप हमारे ही चैनल पे दूसरे वॉइस ओवर में सुन सकते हैं जिनमें कि इन औषधियों के अलग अलग गुण भी बताए हुए हैं। बादाम और अखरोट। बादाम में मोनो सैचुरेटेड फैट, विटामिन ई, फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। इसमें पाए जाने वाला मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को कम करता है, यह हार्ट ब्लॉकेज को भी रोकता है। अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे आर्टरीज में ब्लॉकेज होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा नींबू पानी। नींबू पानी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। इसको रेगुलर डाइट में शामिल करने से हार्ट ब्लॉकेज की आशंका बिल्कुल कम या ये कहें कि ना के बराबर हो जाती है, यानी कि आपको हार्ट डिजीज का कोई खतरा ही नहीं रहेगा। इसके अलावा ऑलिव ऑयल। जी हाँ, ऑलिव ऑयल में काफ़ी मात्रा में मोनोसैचुरेटेड ओलिक एसिड पाया जाता है जो कि फैटी एसिड है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो ब्लॉकेज को रोकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की वजह से ऐसा करने में ये सक्षम होता है। तो ये थी तो इन फूड्स के इस्तेमाल करने के बाद आप हार्ट डिजीज़ के खतरे को अपने से दूर रख सकते हैं या यूँ कहें टाल सकते हैं। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।